नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग सब लोगों का। एक बार फिर से स्वागत है मेरे साथ, और मेरा नाम प्रवीण दीक्षित है। आप लोग जुड़ गए हैं आज की एक और महत्वपूर्ण कक्षा में, जहां पर मैं फिर से आपके साथ कुछ प्रश्न लेकर आया हूं जो हिंदी के होंगे। ये हिंदी के प्रश्न आज आपकी दिवाली में चार चांद लगाने वाले हैं। कुछ अनार होंगे, कुछ बम होंगे, कुछ पटाखे होंगे, जो आपको सिखाएंगे हिंदी के कुछ और नए गुर, नए सीख के साथ आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं। तो आई होप मेरी आवाज आ रही होगी, सुनाई दे रहा हूंगा, दिखाई दे रहा हूंगा। सबसे पहले तो दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सब लोगों के जीवन में। दिवाली का यह त्योहार, बहुत सारे उत्सव, बहुत सारी नए नए पायदान लेकर आए। आप लोग नई सफलता के नए पायदान पर पहुंचे, सफलताएं प्राप्त करें, उत्सव मनाएं। यह उत्सव का त्योहार आप लोगों के जीवन में ढेर सारे उत्सव लेकर आए। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसमें मैं आप लोगों के साथ आगे के प्रश्न पूछने वाला हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों से कुल 30 प्रश्न करवा लिए हैं, और 30 प्रश्नों का एनालिसिस करके हम लोगों ने देखा है कौन सा प्रश्न किस तरह से पूछा गया, और इस प्रश्न का उत्तर हमको कैसे लगाना था, किस तरह से हम लोगों को एलिमिनेट करना होता है प्रश्नों में जो ऑप्शंस होते हैं, और सही उत्तर तक पहुंचना पड़ता है। ये जो दौड़ रहती है, बहुत छोटे समय में हमको सही उत्तर तक पहुंचना, इसको जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, और उतनी जल्दी आप अपने अपने उत्तर को दे पाएंगे, उतना ही आपका स्कोर जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलते हैं जो समय ले जाते हैं, तो उन समय को मैनेज करने के लिए जो जो आसान प्रश्न है उनको जल्दी करना पड़ता है। ये बहुत आसान सी बात है, अगर आपको आसान प्रश्न है तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि उसका जो समय है वो कठिन प्रश्नों को करने में हम उपयोग कर पाएंगे। तो इस तरह के तरीकों से, इस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ में जब हम लोग प्रश्नों को करने पर उतरते हैं तो बहुत आसान हो जाती है सफलता के रास्ते। अगर हम देखें, मैंने जैसा कि आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि टोटल 60 प्रश्न आते हैं हिंदी से, और ये अपने आप में बड़ा स्कोर दिलवा सकते हैं आपको, बड़ा स्कोर कर सकते हैं आप यहाँ पर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मात्र 6 ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से प्रश्न बनते हैं, तो अगर हम उन 6 टॉपिक पर अच्छे से काम कर लें, अगर उन पर अभ्यास कर लिया जाए, तो ये परीक्षा हमारे लिए एकदम आसान हो जाती है। आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की कक्षा। लेकिन आज आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन यह भी करूंगा कि इस सेशन को शेयर करने के साथ, लाइक करने के साथ साथ इसको अपने कमेंट बॉक्स के जरिए, कमेंट के जरिए मुझे हर प्रश्न का उत्तर भी आप लोग देंगे, ऐसी मैं इच्छा रखता हूं, ऐसी मैं आशा रखता हूं आप लोगों से। तो आप सबको ये करना है कि जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं उसका उत्तर लगाने का प्रयास करिए, उसके बाद जो मैं उत्तर बताता हूं उस पर ध्यान दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहला प्रश्न क्या है आपके सामने देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है और लिखा हुआ है आविर्भूत। आविर्भूत का सही विलोम शब्द आपको बताना है। क्या हो सकता है, अनास्था, अनेकता, तिरोभूत या अनावृष्टि। मान लीजिए ये प्रश्न है आपका 31वां, क्या उत्तर आप लगाएंगे यहां पर। आविर्भूत का विलोम शब्द आपको बताना है, अनास्था, अनेकता, तिरोभूत या फिर अनावृष्टि। देखो, अगर आप तुक्का लगाने के मूड में हैं और अगर आपको तुक्का मिल चुका है तो बिल्कुल सही उत्तर लगा रहे हैं आप लोग। क्योंकि देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को अर्थ नहीं पता होते, और जब हमें अर्थ पता नहीं होते तो हम लोग क्या करते हैं, तुक्का लगाते हैं। और जब तुक्का लगाते हैं तो कैसा लगाया जाए कि तुक्का सही और सटीक बैठ जाए, बस उसी पर बात करते हैं। देखो, समझते हैं, आविर्भूत नहीं पता साहब क्या अर्थ निकलता है। अनास्था, अनास्था का तो पता है ना, आस्था का उल्टा हो जाता है अनास्था, तो इसका विलोम शब्द तो आपको याद है, आस्था हो जाएगा, सही है। अनेकता, एकता में अनेकता हम लोग बोलते आए हैं, तो एकता इसका विलोम शब्द हो गया, अनेकता का एकता, अनास्था का आस्था। अब बचा अनावृष्टि, तो अनावृष्टि को हम लोग जानते हैं, अतिवृष्टि से हम लोग इसका विलोम शब्द देखते हैं। तो बचा क्या, तिरोभूत बच गया, लगा दीजिए सही उत्तर, तिरोभूत ये हो गया सही। देखो, कई बार होता है हम लोग अक्सर ये चीज देखते हैं, नोटिस भी करते हैं कि साहब परीक्षा में हम कितना याद करें, शब्दकोश तो बहुत बड़ा है, हमारे सारे शब्द तो हमको याद नहीं होते। तो क्या किया जाए, तरीके निकाले जाए, लॉजिक लगाए जाए और सही जगह पर पहुंचा जाए। जैसा कि मैं अक्सर बोलता आया हूं कि आपको एलिमिनेट करना याद होना चाहिए, अगर आप सही ऑप्शन पर पहुंचना चाहते हैं तो गलत ऑप्शन को हटाना सीखिए। अनास्था का आस्था, अनेकता का एकता, अनावृष्टि का अतिवृष्टि, आविर्भूत का तिरोभूत। ठीक है, बात समझ में आई, कनेक्ट हुआ हाँ या ना, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे फटाफट से। क्लियर है यहां तक का मामला, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आविर्भूत और तिरोभूत का अर्थ निकाल दूं मैं आप लोगों के लिए।
आविर्भूत और तिरोभूत का अर्थ बता दीजिए सर, है ना। मन में तो यही चल रहा होगा कि सर अगले प्रश्न के लिए जाने से पहले एक बार इसका अर्थ जरूर बता दीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, आविर्भूत का मतलब होता है प्रकट होना, किसी व्यक्ति चीज का सामने आ जाना, खड़े हो जाना आके, इसको कहते हैं आविर्भूत होना, ठीक। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो तिरोभूत हो जाएगा, जो गायब हो जाए, एकदम से हट जाए आपके सामने से, वो तिरोभूत है, ठीक है। तिरोभव और आविर्भाव, अगर आप इसको और अलग से देखना चाहें तो आविर्भूत का मतलब होता है उत्पन्न होना, ठीक है। तिरोभूत का मतलब होता है समाप्त होना, ठीक है। तिरह धनभूत बराबर तिरोभूत हो गया और आविर धनभूत बराबर आविर्भूत हो गया। इस तरह से ये संधि है, विसर्ग संधि का के नियम लगते हैं यहाँ पर। ये जो र लगा रहा है आपके सामने दिख रहा है, ये सब वहीं से आ रहा है, ठीक है। डन है यहाँ तक का मामला, क्लियर। तो यहाँ पर आविर्भूत तिरोभूत एक दूसरे का विलोम शब्द हो गया, बाकी के तीनों के मैंने बता दिए। अगला प्रश्न बिना देरी के चलते हैं अगले प्रश्न पर, ये रहा आपके सामने। क्षणिक का सही विलोम शब्द बताइए, अल्प, शाश्वत, क्षर या फिर विमुख। फिर से लगाओ दिमाग, क्षणिक का सही विलोम शब्द क्या होगा, अल्प, शाश्वत, क्षर या फिर विमुख। चल अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। क्षणिक का मतलब होता है जो क्षण भर का हो, क्षणिक है। चलिए, नहीं पता इसका अर्थ क्या है। अल्प का मतलब पता है, अल्प मतलब कम, हम बोलते हैं ना अल्पज्ञ, जिसके पास कम ज्ञान होता है अल्पज्ञ, और अगर जिसके पास ज्यादा ज्ञान होता है उसको हम क्या कहते हैं, बहुज्ञ। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बहु हो जाएगा या फिर अति हो जाएगा, ठीक है। बहु छोटे उ की मात्रा है ना, बड़े उ की मात्रा लगा दोगे तो वो वाला हो जाएगा, वधु वाला बहु हो जाएगा, ठीक है। बा बहु और बेबी वाला, तो वो वाला नहीं लगाना, छोटे उ की मात्रा लगेगी। अल्प मतलब कम, बहु मतलब ज्यादा या अति मतलब ज्यादा, तो ये दोनों हो गए इसके विलोम शब्द, ठीक है। क्षर का मतलब होता है क्षर, क्षरण होना, किसी चीज का घिसना, किसी चीज का टूटना, तो क्षर होना। अब क्षर का उल्टा क्या हो जाता है, तो अक्षर होता है, अक्षर। इसका क्षरण नहीं होता, जो टूटता नहीं है वह अक्षर है, हम लोगों ने अक्षर के बारे में पढ़ा भी है। अच्छा, विमुख, विमुख हो जाना मतलब किसी चीज से दूर हो जाना, विमुख हो जाना, वह उससे विमुख हो गया। तो विमुख हो जाना मतलब मुख को किसी और, अन्य अन्य और मोड़ लेना, मुंह मोड़ लेना को विमुख हो जाना कहते थे। फिर इसका उल्टा क्या होगा, उन्मुख हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उन्मुख। देखो, मैं एक प्रश्न में एक प्रश्न नहीं कराता आपको, कम से कम चार प्रश्न कराता हूं। अल्प का उल्टा विपरीत क्या, बहु या अति। क्षर का विलोम शब्द अक्षर, विमुख का विलोम शब्द उन्मुख, और शाश्वत का विलोम शब्द अपने आप आ गया क्षणिक, शाश्वत। देखिए, हम लोग हमारे इसमें परंपरा में कहते हैं, हमारी संस्कृति में कहते हैं, हमारा जो धर्म है वह शाश्वत धर्म है, हमारे जो ईश्वर है वह शाश्वत ईश्वर है। तो शाश्वत का मतलब होता है जो सदैव बना रहे, जो कभी भी समाप्त ना हो, और कुछ, और उसका विलोम शब्द क्या हो जाता है, क्षणिक हो जाता है, जो क्षण भर के लिए होता है, क्षणिक है। तो शाश्वत, क्षणिक, बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। आप लोगों ने अगर ऑप्शन नंबर बी लगाया तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला प्रश्न देखें जरा, 33वां प्रश्न आपके सामने, अग्रज का विलोम शब्द बताइए। लड्डू प्रश्न, हलवा प्रश्न, तो कह सकते हैं रसगुल्ला प्रश्न है, तुरंत मुंह में लेते ही गायब। अग्रज शब्द का अर्थ, अग्र मतलब आगे, ज मतलब जन्म लेने वाला, तो जो मुझसे पहले जन्म लेगा, जो मुझसे आगे जन्म लेगा क्या कहलाएगा, अग्रज कहलाएगा। तो अग्रज शब्द का मतलब क्या हुआ, बड़ा भाई, अग्रज कहला। अब इसका विलोम शब्द चले तो विलोम शब्द बन जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अनुज। अनु, अनु का मतलब होता है पीछे, ज मतलब जन्म लेने वाला, तो जो पीछे जन्म लेता है, जो मेरे बाद में जन्म लेता है वह अनुज है, मतलब कि छोटा भाई है, तो छोटा भाई और बड़ा भाई, सही उत्तर मिल गया। अक्षत का मतलब है जो टूटे नहीं, वह अक्षत है, जो टूटा हुआ नहीं है, इसका विलोम शब्द हो जाएगा क्षत। अतुल, जो जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, तुल मतलब जिसकी तुलना की जा सकती है। अटल का मतलब जो कभी हटता नहीं, और ढुलमुल, इसका विलोम शब्द हो जाता है ढुलमुल, जो कभी भी स्थिर नहीं रहता, एक चीज पर बना नहीं रहता, थाली का बैंगन होता है, मतलब जो एक जगह पर टिकता नहीं, भाई कभी इस पाले में कभी उस पाले में, वह ढुलमुल है, का विलोम शब्द हो जाता है अटल। आई होप चारों विलोम शब्द आप लोगों को याद हो गए होंगे। तीन प्रश्न किए, समझ में आ रही है कहानी, विलोम शब्द के प्रश्न कैसे आते हैं और आपको उत्तर कैसे पहुंचना है। चलिए देखते हैं 34वां प्रश्न, देखकर क्या कहते हैं आप लोग। 34वां प्रश्न फिर से विलोम शब्द पर, बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म विलोम शब्द का नहीं है, मौन मुखर, शानदार शर्मनाक, बर्बर सभ्य और अनुचर परिचर। सोच समझकर उत्तर लगाइएगा।
चलिए बताइए क्या उत्तर हो सकता है, ए बी सी या डी। देखिए बहुत आसान है, लड्डू सा मामला है, कठिन है नहीं है, आपको मैंने तरीके सिखाए हैं। मौन का मतलब होता है जो बोले नहीं, जो कुछ नहीं कहता वह मौन है, और उसका उल्टा हो जाता है मुखर, जो बहुत सारी बातें करे वह कौन है, मुखर है ना। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट आप लोग ऐसे बोलते हैं, हम लोग कुछ लोगों की जो आदत रहती है वो थोड़े से चुप चुप से रहते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, तो अंतर्मुखी जो मौन से रहते हैं, और दूसरी तरफ होता है मुखर जो सब लोगों से बातचीत करते हैं, मुखर हो जाते हैं। ठीक है, यहां तक का मामला क्लियर? तो ये तो सही है भाई, ये वाला मामला तो सही है। अगला देखते हैं, शानदार और शर्मनाक। देखो ये भी सही है, क्यों? क्योंकि जो शान आपकी बढ़ा दे वह शानदार है, और वही जो आपको शर्म में डाल दे वह शर्मनाक है, तो शानदार का विलोम शब्द शर्मनाक है, ये बिल्कुल। अब बात करते हैं बर्बर और सभ्य की। बर्बर का मतलब होता है जो पुरानी सभ्यता से है, बर्बर है, जो हिंसक भी है, जो पाशविक प्रवृत्ति वाला है, जिसके पास कोई एथिक्स नहीं है, जिसके कोई नियम नहीं है, जो दिन में भी लड़ता है, रात में भी लड़ सकता है। हम लोगों ने बर्बर शब्द से बाबर शब्द बनाया। बाबर के बारे में कहा जाता था कि वह उनका कोई तरीका नहीं था, स्ट्रेटेजी नहीं थी। इससे पहले जितने लोग लड़ते थे वो शाम के वक्त युद्ध नहीं करते थे, और हमारे यहाँ बहुत सारे नियम थे, युद्ध के भी नियम थे, हम दुश्मन को भी पूरी तरह से ससम्मान हम लोग विदा करते थे। पर पहली बार एक ऐसा ऐसा बर्बर व्यक्ति हमारे यहाँ आया जिसका कोई नियम नहीं था, कोई एथिक्स नहीं था, वो छापा मार युद्ध करता था, वो रात में भी लड़ाइयां कर लेता था, तो बर्बर शब्द से बाबर शब्द हमने बनाया था। आपको पता भी होगा बाबर का ओरिजिनल नाम जो था वो अजहरुद्दीन था, है ना, शायद मुझे जितना याद है मैं आपको बता दिया। खैर मैं तो हिंदी पढ़ा रहा हूँ भाई। बर्बर का मतलब होता है वह जो जिसके जिसके कोई एथिक्स नहीं है, बिल्कुल पिछड़ा, जिसके अंदर कोई एटिकेट्स नहीं है, वह बर्बर है। और बर्बर का उल्टा क्या हो जाएगा, सभ्य हो जाएगा, जेंटलमैन हो जाएगा, तो बर्बर से सभ्य बिल्कुल सही है। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तो मामला कहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है भाई। अनुचर और परिचर दोनों का अर्थ समझ लेते हैं। अनुचर का मतलब होता है जो पीछे चले, अनु मतलब पीछे, चर मतलब विचरण करने वाला, तो जो आपके पीछे पीछे विचरण करता है, जो आपका सेवक है वो पीछे पीछे न चलेगा, तो अनुचर मतलब पीछे चलने वाला। और दूसरा शब्द बना है परिचर। परिचर मतलब परी का मतलब होता है चारों ओर। देखो परी में छोटी की मात्रा लगी है, मतलब परी मतलब चारों ओर, जैसे परिधन वर्तन, परिधन आवरण, तो पर्यावरण परिवर्तन, तो इसी तरह से परी का मतलब होता है चारों ओर, और चर मतलब विचरण करने वाले। तो क्या होता है, देखा होगा ना आप लोगों ने, बड़े बड़े से पहलवान लोग बैठे रहते हैं, फिर आजू बाजू में कुछ लोग घूमते रहते हैं, उनके तो वो क्या कहलाएंगे, परिचर कहलाएंगे। यही शब्द जो परिचर शब्द है, इसी शब्द से एक शब्द बना है परिचारिका, स्त्रीलिंग शब्द है, परिचर का स्त्रीलिंग शब्द, जो सेवा शुश्रूषा के लिए आपके आजू बाजू घूमता रहे वह परिचारिका है ना। जो एक नर्स शब्द आया इंग्लिश में बोला जाता है, नर्सिंग जो की जाती है, करते क्या है, रोगी होता है जो बीमार है उसके आसपास घूमते हैं, उसके आसपास काम करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, वो वहीं पर उसकी देखभाल में, तो वो सब क्या कहलाती है, परिचारिका कहलाती है। इसका गलत मीनिंग मत निकालना। तो परिचर से परिचारिका शब्द बना है। परिचर का मतलब भी सेवक, अनुचर का मतलब भी सेवक, और इन दोनों का विलोम शब्द हो जाएगा स्वामी। ठीक है, इन दोनों का विलोम शब्द हो जाएगा स्वामी। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द ना होकर पर्यायवाची है, पर्यायवाची शब्द है भाई साहब। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। ठीक है, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार। बाकी के सब समझ में आए, हर एक चीज समझ में आ गई, चले आगे बढ़े। अगर नहीं आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि इसका एक बार और बता दीजिए, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 35वां प्रश्न आपके सामने। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, कौन सा, अमित परिमित, तत्कार तिरस्कार, आच्छादित परिच्छन्न, सुख दुख। अब भाई साहब यहां सोचने वाली बात तो है ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी तो आप पहले ही हटा दिए होंगे, सुख दुख तो विलोम शब्द है भाई, इसको गलत शब्द युग्म ढूंढना है, ये तो सही, तो ये वाला तो पहले ही हट गया। ठीक, अब देखो सत्कार करना, हमारे यहाँ कोई सम्मान, कोई व्यक्ति आता है, अतिथि आता है, तो हम क्या करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, तो भैया सत्कार सम्मान तो ठीक है, इसका विलोम शब्द हो जाएगा तिरस्कार करना, उसको भगा देना, उसको गलत बोल देना, तिरस्कार करना। सत्कार का विलोम शब्द तिरस्कार, ये भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता, ये दोनों सही है। अब बात करते हैं अमित और परिमित की। तो अमित और परिमित का मतलब क्या होता है, जिसको मापा जाए चारों ओर से, चारों ओर से जिसको माप दिया जाए, उसका परिमाण निकाल दिया जाए, तो वह परिमित है।
ठीक है, हमने एक प्लॉट लिया, उस प्लॉट को यहां पर बना दिया और इसको कहा कि भैया ये 25 बाय 50 का है, तो ये क्या किया हमने, परिसीमन कर दिया, इसको परिमित कर दिया, इसको हमने नाप कर माप कर रख दिया, तो परिमित हो गया। लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा अमित। अमित मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं हो, जो पूरी तरफ से फैला हुआ हो, वह अमित है। तो अमित परिमित ये भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता, ये दोनों भी विलोम शब्द बने हुए हैं। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बचा, आच्छादित और परिच्छन्न। आच्छादित जो ढका हुआ हो, और इसको उल्टा अगर करना है तो इसका विलोम शब्द लिख लो अनाच्छादित। जो लोग मेरी कक्षा में बैठकर नोट्स भी बनाते हैं, वो इनको बारीक चीजों को लिख लिया करिए, ज्यादा अच्छा है। आच्छादित का उल्टा हो जाएगा अनाच्छादित, अन धन आच्छादित, जो आच्छादित नहीं है, जो ढका हुआ नहीं है, अनाच्छादित। एक शब्द लिखा है परिच्छन्न, परिच्छन्न का उल्टा हो जाएगा अपरिच्छन्न। परिच्छन्न मतलब छिन्न भिन्न कर दिया गया चारों तरफ से, तो अपरिच्छन्न, और ये हो गया अपरिच्छन्न। परिच्छन्न का अपरिच्छन्न, आच्छादित का अनाच्छादित। ठीक है, डन है मामला, अ लगा के काम खत्म हो गया, और यही सही उत्तर है आपका, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्लियर हो गया होगा। चलिए 36वां प्रश्न आपके सामने, बिना देरी किए बताइए सही उत्तर क्या हो सकता है इसका। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है क्या, चिन्ह, विवर्त, अनुग्रहीत या फिर विवरणी, कौन सा यहां पर शुद्ध शब्द है आपको बताना है। आसान है, लड्डू प्रश्न है, बस थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दे दिया, आप तुरंत सही उत्तर पे पहुंच जाएंगे। एक शब्द जो मैं कई बार बता चुका हूं आपको, ये वाला मामला अशुद्ध है। देखो इसका शुद्ध मैं बता देता हूं, चिन्ह इसका सही वर्तनी है। मैंने आपको बताया है ये चिन्ह हो गया, आह्वान हो गया, आह्वान आह्वान हो गया, ब्रह्म हो गया, ब्रह्म या ब्राह्मण हो गया, इसके अंदर आधा म है, आधा ह है और फिर म है। लोग अक्सर इसको उल्टा लिख देते हैं, आधा म और फिर ह लिख देते हैं, तो ब्रह्म कर देते हैं, वो ब्रह्म नहीं, ब्रह्म है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण। आह्वान है, आवाहन नहीं है, आह्वान है। तो इसी तरह से चिन्ह नहीं है, चिन्ह है, तो यहां पर आधा ह और फिर न है। ठीक, ये वाला मामला गड़बड़ था। अच्छा इसको देखें, विरहणी को, विरहणी गलत है, क्या लिखेंगे, विरह शब्द से बना है, विरह से शब्द से बना है, और इसका स्त्रीलिंग शब्द बना रहे हैं, तो विरहिणी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विरहिणी, तो यहां पर बन जाएगा विरहिणी, और ये हो जाएगा बिल्कुल सही। तो ये वाला मामला भी गड़बड़ है। अब बात करते हैं अनुग्रहीत की, तो अनुग्रह के अंदर इत नहीं लगा है, यहां पर लगा है अनुग्रह, तो इसका जो सही शब्द बनेगा वो बनेगा अनुग्रहीत, और ये वाला होगा सही। मतलब यहाँ पे रकार की बजाय री ऋषि की मात्रा लगनी चाहिए थी, तो बच गया ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। विवर्त यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा है, सटीक लिखा हुआ है, विवर्त इज द राइट आंसर। बात समझ में आई क्या, तीन के जो गलत थे और उनको सही क्या लिखना था वो भी मैंने आपको समझा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 37वां प्रश्न आपके सामने, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, और बहुत आसान, लड्डू जैसा प्रश्न, हलवा जैसा प्रश्न, गुलाब जामुन जैसा, एकदम आसान है। क्या बोलते हैं आप, ज्योतिषना, ज्योत्सना, ज्योत्सना या ज्योत्सना, क्या बोलते हैं, ज्योत्सना इज द राइट आंसर। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, ज्योत्सना राइट आंसर। ठीक है, आधा त, आधा स और फिर न, न के अंदर आके मात्रा, तो ज्योत्सना इज द राइट आंसर। ज्योत्सना नहीं, ज्योतिषना नहीं, ज्योतसना नहीं, कतई नहीं, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, 38वां प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। मैंने आपको कहा था वर्तनी और वाक्य दोनों की अशुद्धियां वहां पर पूछी जाती हैं, और वहीं से प्रश्न ढेर सारे आ रहे हैं। देखिए हम लोगों ने पर्यायवाची विलोम शब्द के ढेर सारे प्रश्न किए, अब हम लोग बात कर रहे हैं किस पे, वर्तनी पे। आइए देखें जरा, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, कोमलांगी, सम्मिलित, उत्कर्षता या फिर अनुग्रहीत। अभी अभी मैंने बताया कि ये तो सही है, ये तो अपना आंसर नहीं होगा। कोमलांगी ये भी सही है, कोमल धन अंगी, जिसके अंग कोमल है वह कोमलांगी है, तो ये भी सही है। सम्मिलित सही लिखा हुआ है, कोई गड़बड़ नहीं है, तो मामला कहाँ है, उत्कर्षता में। देखो उत्कर्षता देखा जाए ना तो गलत नहीं, एक संज्ञा शब्द है उत्कर्ष, उत्कर्ष एक संज्ञा है, ठीक,
ये संज्ञा कौन सी है? तो उत्कर्ष एक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि उत्कर्ष का मतलब होता है उठान, किसी चीज की उन्नति, किसी चीज का ऊपर चढ़ना, ठीक है, उत्कर्ष। अब इसको इसका अगर मुझे विशेषण बनाना है, विशेषण अगर मैं बनाऊंगा तो इसका एक विशेषण बनता है उत्कृष्ट। क्या बन जाता है? उत्कृष्ट। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं तो उत्कृष्ट कैसे समझाऊं आपको, लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के नेताओं में एक उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, है ना, तो उत्कृष्ट उदाहरण, तो उत्कृष्ट एक विशेषण शब्द। अब यहां पर इस संज्ञा का एक भाववाचक संज्ञा इस तरह से भी बनाई जाती है, उत्कर्षता। तो अब आप गलत बोले तो बोल सकते हैं, पर ये अपने आप में एक शब्द है, आप लोगों ने कम सुना होगा इसलिए आप इसको कंफ्यूजन हो सकता है। तो उत्कर्षता इसमें गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि आयोग ने इस प्रश्न को सही माना है, इस ऑप्शन को सही माना है, इसलिए मैं ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपको सही लगा रहा हूं। देखा जाए तो उत्कर्षता गलत नहीं है, पर क्योंकि अब यहां पर देखा जाए तो कोमलांगी हम लोग उपयोग करते हैं, सम्मिलित भी अनुग्रहीत भी, ये सामान्य शब्द है, लेकिन उत्कर्ष शब्द का प्रयोग होता है सामान्यतः, उत्कर्षता का उपयोग नहीं होता, इसलिए इसको गलत करार दे दिया गया, अशुद्ध मान लिया गया और इसको उत्तर में लगा रहा हूं। अगले प्रश्न पर चलिए, 39वां प्रश्न आपके सामने। चलिए, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है उसको ढूंढना है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े, हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। देखो आप लोग अगर अगर वाक्य शुद्धि जानते हैं तो आपने देखा होगा कि अनेकों शब्द गलत है, वचन संबंधी त्रुटि है इसके अंदर, कहाँ है ये अनेकों, ये अनेकों, अनेक शब्द अपने आप में बहुवचन है और इसका बहुवचन का बहुवचन नहीं करते, तो ये दोनों तो अपने आप कैंसिल हो गए, मामला गया। अब ऊपर ओके दो बचे, देखें जरा इनमें गड़बड़ कहाँ है, कहाँ अंतर आ रहा है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, हर एक विद्यार्थियों को चाहिए, अब देखो यहां पर हर एक या प्रत्येक शब्द का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो हमको सिखाया गया है कि यहां पर कभी भी बहुवचन का प्रयोग नहीं करते, हमेशा एक वचन का प्रयोग करते हैं। जब भी आपके सामने प्रत्येक या हर एक शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसके आगे एक वचन संज्ञा का एक वचन का प्रयोग किया जाता है। यहां लिखा है विद्यार्थी, यहां लिखा है विद्यार्थियों, तो मामला गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ? तो सही उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर ए और यही सही उत्तर था। सोचना जरूरी है दोस्त, देखो मैं इतनी सारी बातें क्यों कर रहा हूं, हो सकता है आपने पहले ही उत्तर लगा दिया हो, मैं इतनी पंचायतें बेवजह कर रहा हूं, लेकिन ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो इसके अंदर से गलतियां नहीं निकाल पाते या ये नहीं समझ पाते कि गलतियां होती क्या है। तो यहां पर वचन संबंधी त्रुटियां थी, यहां पर हरेक वाला प्रत्येक वाली की त्रुटि थी जिनको हटाया, तो ऑप्शन नंबर ए ही समझ में आया। आइए 40वां प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न आपके सामने, फिर से वाक्य की शुद्धि अशुद्धि पर प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य ढूंढना है। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, बताइए इसमें गड़बड़ कहाँ है, कौन सा वाक्य गड़बड़ है? उपर्युक्त कथन असत्य है, नहीं ऐसा तो नहीं, कभी भी जाओ अगर यहाँ तो बच के जाना, ये सरकारी ऑप्शन कहलाता है, सरकारी ऑप्शन से बच के रहना भाई, ये पहले से लगाने का काम नहीं है इसका, इसको सबसे आखिरी में उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलो जरा देखते हैं, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, कोई दिक्कत नहीं भाई, वो गेहूं ही पिसवा रहा, आटा वाटा पिसवाने नहीं गया, ठीक है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, एक बात बताओ, मिठाई में एक ही मिठाई रखता है क्या वो? नहीं ना, मिठाई की एक दुकान है या एक मिठाई की दुकान है? अरे यही है गड़बड़, देखो एक मिठाई की दुकान नहीं है, उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, जैसे फूलों का एक हार या एक फूलों का हार, एक फूलों का हार नहीं होता, फूलों का एक हार होता है, तो ठीक उसी तरह से उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। आई होप सब लोगों ने सही उत्तर लगाया होगा, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? अरे समझ में आ रहा है या नहीं, सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? अभी तक जितने प्रश्न किए समझ में आए ना, 10 प्रश्न कर लिए हैं, बाकी के 5 और हैं, चलो शुरू करते हैं। अगला प्रश्न 41वां आपके सामने, बताइए सही उत्तर क्या हो सकता है, चलिए कमान जल्दी से।
प्रयास करेंगे जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 41वां प्रश्न, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है क्या कहेंगे, अजेय, शत्रुजयी, अजात शत्रु या शत्रुविहीन। चलो समझते हैं, अजेय जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता न जा सके, शत्रुजयी जिसने शत्रुओं को जीत लिया हो, ठीक, अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु जन्मा ही नहीं है वह अजात शत्रु कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है। बचा शत्रुविहीन, जिसका जिसका कोई शत्रु ना हो उसे हम शत्रुविहीन कहते हैं। क्लियर है सबका, चारों का क्लियर है, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको। अजय जिसको जीता ना जिसे जीता ना जा सके, शत्रुजयी जिसने शत्रुओं को जीत लिया हो, शत्रुविहीन जिसका कोई शत्रु ना हो, और अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, अजात शत्रु। अगला प्रश्न, 42वां प्रश्न है, चलिए कमान जल्दी से उत्तर लगाएंगे। खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, अन्वेषक, अनुपम, अन्विति या निवेशक। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, खोज करने वाले की बात करेंगे, करते हैं। निवेशक, निवेश करे जो, जो निवेश करता हो, जो निवेश करता हो वह निवेशक है। प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करता है कुछ पैसा, फंड रेज करता है, निवेश करता है चीजों में, पैसा लगाता है वह निवेशक है। अनुपम, जिसकी उपमा न दी जा सके, जिसकी उपमा न दी जा सके। अरे भाई कोई चीज होती है ना जो अनुपमा है, अनुपम है, जिसका कोई उपमा नहीं होती वह अनुपम। अन्विति, अन्विति का मतलब देखा जाए तो होता है एकता का भाव, है ना, अन्वित होने का भाव, मिलने जुलने का भाव, मिलने जुलने को, तो मिलना जुलना या एकता अन्विति कहलाती है, ठीक। अब बच क्या गया, अन्वेषक गया, बिल्कुल सही उत्तर। अनुधन एशक, अनुधन एशक अन्वेषक कहलाता है, जो अपनी इच्छाओं के पीछे जाता है, उसको खोजता है, खोज करता है, उसको हम अन्वेषक। सही उत्तर आ जाएगा अन्वेषक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 43वां प्रश्न है, लड्डू प्रश्न है, मेरे ख्याल से सब लोग सही उत्तर चिपकाएंगे। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीवा का मतलब होता है गर्दन, ठीक है, ग्रीवा का क्या मतलब होता है गर्दन, तो क्या कहेंगे, पार्थिव कहेंगे, सुग्रीव कहेंगे, सुधीर कहेंगे या सुनील कहेंगे। अरे भैया बिल्कुल सही उत्तर लगा रहे हैं, सुग्रीव कहेंगे, तो मतलब ये नहीं किसी की गर्दन अच्छी दिखे तो उसको जाके बोल देना भाई तुम सुग्रीव हो, ऐसा नहीं बोल देना, नहीं वो गदा लेके आ जाए वाकई सुग्रीव हो जाएगा भाई, ऐसा नहीं करिएगा आप लोग। सुग्रीव का मतलब होता है जिसकी गर्दन सुंदर हो, जिसका ग्रीवा जिसकी सुंदर हो वह सुग्रीव कहलाता है, ठीक है। लेकिन ये पुराना शब्द है और आजकल सुग्रीव के नाम पे लोग भड़क जाते हैं, तो ध्यान से सुग्रीव शब्द प्रयोग नहीं करना। पार्थिव शरीर का मतलब होता है जो जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो वह पार्थिव कहलाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना उनका पार्थिव शरीर रखा गया, पार्थिव जिनका दिव्य शरीर था वो तो स्वर्ग में चला गया, और पार्थिव शरीर जो पृथ्वी से बना था वो तो पृथ्वी पर रखा रह गया, पार्थिव शरीर, ठीक है। सुधीर का मतलब होता है जो बहुत धैर्य पूर्वक काम करे, धीर शब्द का मतलब होता है जो धैर्य रखता हो, धैर्य रखने वाला, ठीक। और सु लगा है तो यहां पर सुधीर का मतलब होता है जो बहुत धैर्य रखने वाला हो, जो अपने आप को सुव्यवस्थित रख सके और धैर्यता पूर्वक चीजों को झेल सके उसे सुधीर कहेंगे। और वैसे ही सुनील जो बहुत ही ज्यादा नीला हो वह सुनील है, तो सुनील का मतलब होता है अत्यधिक नील वर्ण वाला सुनील, ठीक है, याद रहेगा। सुग्रीव जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके क्या कहेंगे, जितेंद्री, जितेंद्र, अतीन्द्रिय, ऐन्द्रिक। चलो समझते हैं, जितेंद्र का मतलब होता है, दो शब्द है यहां पर, जीत
इंद्र, जो इंद्र को जीत ले वह जितेंद्र है, जो इंद्रियों को जीत ले। इंद्र का मतलब यहां पर, इंद्र का मतलब वो नहीं है देवताओं का राजा इंद्र, यहां पर इंद्र का मतलब होता है इंद्रियां, जो अपने इंद्रियों को जीत ले वह क्या कहलाएगा, जितेंद्र कहलाएगा, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो। ऐन्द्रिक का मतलब होता है जो इंद्रियों के द्वारा, मया इंद्रियों के लिए, तो इंद्रिक ऐन्द्रिक कहलाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी मामला गड़बड़। ठीक, अब बच गया क्या, अति इंद्रिय बच गया, ये बिल्कुल सही उत्तरों का ऑप्शन नंबर बी। क्यों, अति का मतलब यहां पर, अति का मतलब अधिक नहीं है, जो परे हो, इंद्रियों से जो परे हो, जो इंद्रियों द्वारा जिसका अनुभव न किया जा सके वह अति इंद्रिय है। जैसे आप किसी सुगंध को सूंघ कर पता कर लेते हैं, आप किसी स्वाद को चख कर पता करते हैं, आप किसी स्पर्श को छू कर पता करते हैं, आप किसी चीज को देख कर पता करते हैं, आप किसी आवाज को सुनकर पता करते हैं, ये सब आप इंद्रियों के द्वारा कर रहे हैं। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको अंदर यहाँ कुछ बहुत सुकून भरा महसूस, आज जब आप उत्सव मनाते हैं तो आपके अंदर यहाँ एक पॉजिटिविटी, खुशी महसूस हो रही होगी, यह इंद्रियों से परे है, इसलिए इसे हम अति इंद्रिय कहते हैं। तो अति इंद्रिय का मतलब हुआ जिसका अनुभव इंद्रियों से न हो सके। चलिए आखिरी प्रश्न आज का, 45वां प्रश्न, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। जो स्त्री अनुभव अभिनय करे उसे क्या कहेंगे, जो व्याकरण जानता हो, आंखों से परे, या लौट कर आया हुआ। सही शब्द युग्म ढूंढना है आपको। देखो अब गड़बड़ आप लोग पहचानना शुरू कर दिए होंगे, मेरी तरफ से प्रयास। जो स्त्री अभिनय करे उसको हम अभिनेता नहीं कहते, क्या कहते हैं, अभिनेत्री कहते हैं। हाँ, जो व्यक्ति अनुभव, जो 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 एक व्यक्ति आपके सामने अभिनय करता है उसको हम अभिनेता कहते हैं, और उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या बनता है, अभिनेत्री बनता है। तो ये वाला मामला तो गलत है, ये तो गलत हो गया। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरणिक नहीं भाई, वो भी व्याकरणिक नहीं कहते, कहते हैं व्याकरण। जो व्याकरण जानता है उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। आंखों से परे, जो आंखों से दूर हो, परे हो, उसे या तो हम अप्रत्यक्ष कहते हैं या फिर हम परोक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, परोक्ष कहते हैं। तो ये वाला मामला भी गड़बड़ हो गया। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4, लौट कर आया हुआ, क्या कहेंगे, प्रतिधन आगत प्रत्यागत। तो प्रत्यागत बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। देखना अभी वो रॉकेट छोड़ते हैं ना आप लोग दिवाली पे, तो कई बार वो ऐसे जाता है वापस घूम के आ जाता है, उसको बोलते हैं प्रत्यागत। याद रहेगा ना, रॉकेट आ जाए बोले ना ये प्रत्यागत रॉकेट था, याद रहेगा। चलिए तो इसी के साथ आज की कक्षा हो गई समाप्त, और जाते जाते आप लोगों को एक बार फिर याद दिला दूं, आज अंतिम दिन है जब आप 25% का फ्लैट ऑफर ले सकते हैं किसी भी क्लास को ज्वाइन करने के लिए, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, पीएससी हो, आरओएआर हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट हो, या किसी भी स्टेट लेवल की एग्जाम हो जिसको आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या कहीं पर भी जहां से आप स्टेट लेवल एग्जाम प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप बिल्कुल इस कोड का उपयोग करके आपकी फीस को 25% तक फ्लैट डिस्काउंट ले सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस और मॉक टेस्ट दोनों मिल रहे हैं। तो कोड होगा LIGHTS25, याद रखिएगा, यूज करिए और आपकी दिवाली को बनाइए सक्सेस वाली दिवाली। तो दिवाली सक्सेस वाली। थैंक यू वेरी मच फॉर आज के इस क्लास को अटेंड करने के लिए। आज की कक्षा को यहीं पर देते हैं विराम। एक बार फिर से ढेर सारी खुश रहने की शुभकामनाएं आप लोगों के लिए, ढेर सारी सफलताएं आपको मिले, ढेर सारी खुशियां आपको मिले, ढेर सारा उत्सव आप लोग मनाएं और खूब सारे पटाखे फोड़े, मिठाइयां खाएं और मस्त रहें, एंजॉय करें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, होती है अगली बार मुलाकात, तब तक के लिए शुभरात्रि और जय हिंद।